नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे पहले की कम से कम दो तीन पुश्तों का इस मिट्टी में जन्म हुआ और यहीं अंत भी हुआ। इस दुनिया का पहला गांव जिसके घरों में ना तो दरवाजे हैं ना ही ताले, मुझे आज भी याद है हमारे प्यारे भगवान का गांव देवमाल। पवित्र, निर्भय, सबके लिए सदैव खुला। जब मैं बच्चा था तब मुझे हर समय लगता था कि ये सारी दुनिया देवमाल है, एक मंदिर है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं बड़ा होता गया, इस दुनिया की सच्चाई सामने आने लगी। फिर क्या, खुले आसमान में उड़ने वाले हम ही हैं, बाहर लोग पिंजरे में रहते हैं। बचपन में हमने सारे खेल खेले, पर चोर सिपाही वाला खेल कभी नहीं खेला, क्योंकि उस समय देवमाल ने ना तो कभी चोर देखे और ना सिपाही। पर धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग बदलते गए। कभी रात का इंतजार करने वाले चमगादड़ अब दिन में भी बेखौफ उड़ने लगे। देखते देखते समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। कभी सोचा न था कि सूर्य पश्चिम में भी उगेगा।
शांति, अहिंसा, सहनशीलता, ये सब फालतू की बातें हैं। ये कलियुग है भाई, कलियुग। या मारोगे तो जियोगे। पैसा, पैसा सब कुछ है। हाथ में पत्ती हरी तो तेरी हर बात खरी। क्या करें, शमशान में लकड़ियां भी फोकट में नहीं मिलती। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं तो जीना क्या, मरना क्या, सब माया का खेल है। जेब गरम तो दान धर्म। इसीलिए बोलता हूं, अब मिला है हमको असली चांस। जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या गेम बड़ा है। 75-25। चल ठीक है, 50-50 डन। क्या रे, चर्बी चढ़ गई तेरे को? क्या चाहता है तू? 75 तुझे देके 25 मैं रखूं? लल्लू समझ रखे है क्या मेरे को? हैं?
एक मिनट। मेरी बात सुनिए, चोरी दान की हो सकती है, भगवान की नहीं। चोरी मंदिरों की हो सकती है, आस्था की नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो न कभी हुआ था न होना चाहिए। जिस गांव में कभी चार आने की भी चोरी नहीं हुई, वहां भगवान की दान पेटी लूट ली जाएगी, ऐसा किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। अब रहा सवाल चोरों का, तो हमारे भगवान तो साक्षात हैं और अपने भगवान पे हमें विश्वास है। लेकिन गुरुजी, इस विज्ञान के युग में आप अंधश्रद्धाओं पर विश्वास करेंगे या फिर चोरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? जिन्हें भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं होता, वे लोग ही विज्ञान की भाषा बोलते हैं। और सर, पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है? चल रही है छानबीन, बिल्कुल चल रही है। वो क्या है कि मेले में बहुत भीड़ होने के कारण चोरों को ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जल्दी उन्हें पहचान लेंगे। मतलब देवमाल के अब सारे घरों को दरवाजे और ताले लगेंगे, यही ना? अब इंस्पेक्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेकिन सर, हम मेरे पीछे जो आप बिना दरवाजे के घर देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से जहाँ कभी भी चोरी नहीं हुई, ये वही है बिना दरवाजे वाला प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जिसका नाम है देवमाल। जब यहाँ भगवान के ही घर में डाका पड़ा है तो इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। मुझे बताइए मैडम, यहाँ चोरी होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब? नहीं मतलब, इस घटना के बाद आपको डर तो नहीं लग रहा? डर? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमारे घर में चोरी करने के लिए है ही क्या, पर भगवान ही उन्हें सजा देंगे। हमारे भगवान की महानता ऐसी है, गांव के लोगों का भगवान पर विश्वास है। अब बस हमें ये देखना है कि इस विश्वास में कितनी सच्चाई है। कुछ भी कह लो, पर इस भगवान की वैलिडिटी खत्म हो गई। ये जो अनर्थ हुआ है ऐसे नहीं हुआ है। क्या पता कितना पुराना है ये भगवान। अब वही मंदिर वही प्रसाद, बोर हो गए होंगे, वो भी क्या करेंगे। सच बोल रहा है यार, ये ट्रस्ट वाले भगवान पे ध्यान कहाँ देते हैं। हाँ सच बोल रहे हो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अब भगवान के मंदिर में भी एसी वेसी टकाटक चाहिए ना। हाँ, और नहीं तो क्या? भगवान है हमारे, इतने पैसे आते हैं, करते हैं क्या ये लोग बता मुझे है? बाकी के मंदिर जाकर देखो, भगवान ऑनलाइन है। अरे हमारा क्या हुआ पता है तुम्हें? तेरा ना मेरा कोई और ले गया, परेशान हम है और भगवान भी परेशान, घूम रहे हैं बेचारे। इस घटना के बारे में एक पुजारी होने के नाते आपका क्या कहना है? क्या कहूं मैडम, भगवान के प्रति अब श्रद्धा नहीं रहेगी। उसे सजा जरूर मिलेगी, वो भगवान से बच नहीं सकता। अगर चोरी हो भी गई तो वो गांव से बाहर नहीं जा सकता और चोरी का सामान यही रह जाएगा और वो अंधा हो जाएगा। कहीं भी जाए, घूम फिर करके सब कुछ यहीं वापस आना है। यहाँ तो चोर है ना, बदमाश है ना, लुटेरे हैं। देखिए, हमें श्रद्धा से किसी तरह का बैर नहीं, पर हर जगह जो भगवान के नाम पर लूट चल रही है उस तरह की अंधश्रद्धा के प्रति हमारा विरोध है। अब भगवान है या नहीं है इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। मतलब गांव के घरों में दरवाजे नहीं हैं, ये अंधश्रद्धा है ऐसा आपका कहना है? नहीं नहीं, ये श्रद्धा है, पर जहाँ चोरी हो सकती है वहाँ पर तो ताला होना चाहिए ना। दरवाजे पे ताला होना चाहिए ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मंदिर से चोरी दान के पैसों की हुई है या श्रद्धा की, यही हमारा सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस भगवान के नाम पर
अरे सुनती हो, देखो टीवी पे क्या चल रहा है। भगवान के मंदिर में चोर, अरे किचन में क्या कर रही हो, देखो जरा क्या चल रहा है टीवी पे। लोगों पर क्या असर पड़ता है, घरों में दरवाजे नहीं होना कुछ लोग अंधश्रद्धा मानते हैं। ये सब वापस क्यों लाया? तो खरीदने के लिए ग्राहक तो चाहिए कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। ग्राहक नहीं, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। अबे गधे, मैंने कितनी बार कहा है कि मंदिर से लाए हुए नारियल धोया करो, समझे? कितनी बार धोने पड़ेंगे नारियल? अरे धोना ही पड़ेगा ना बेटा, इसी पे तो अपना घर चलता है। ये देखिए यहाँ मंदिर के आसपास कुछ लोग बैठे, लोगों ने ऐसे अगर नारियल देख लिए ना तो जो धंधा है वो भी बंद हो जाएगा। और मैं स्कूल कब जाऊँगा? अरे नारियल अगर बेचेगा ना तो ऐसी 10 बिल्डिंग बना लेगा, समझा? वो देख न्यूज वाले कैमरा लेके घूम रहे हैं। क्या करें इन लोगों का? अरे इन्हें बोलो कि हमारा मंदिर भी फेमस कर दे, यहाँ भी पब्लिक आनी चाहिए। इसलिए हमारा सरकार से यही जा, नारियल धोले कि वो जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश करें। कैमरामैन रवि जी के साथ मैं आसावरी। भाभी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अब मैं क्या बताऊं तुझे, क्या हुआ? अरे भगवान के दान पेटी में मैंने भी 1000 रुपए डाले थे, लेकिन अब मंदिर में चोरी हो गई तो मेरी मन्नत पूरी होगी भी या नहीं, मुझे तो यही चिंता सता रही है। अब भगवान तक पहुँचे ही नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ लेकिन भगवान ने देखा तो होगा ना तुम्हें पैसे डालते हुए? वहाँ बहुत भीड़ थी और वो पंडित मंदिर में अंदर जाने ही नहीं देता, बाहर से दर्शन ले लो कहता है। अब भगवान का ध्यान गया कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? जाने दो, तुमने पैसे डाले हैं ना, अब वो पैसे भगवान के चरण में जाएं या चोरों के? हमने हमारा काम किया, अब भगवान जी को ही अपने पैसे संभालने नहीं आए तो हमारी क्या गलती? सही कहा ना? बात तो सही है। गई बहुत गड़बड़ होने वाली है। अगर लोगों की श्रद्धा को धक्का पहुंचता है तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा रहेगी तो ही समाज रहेगा। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कॉन्फिडेंशियल। एक दो भरोसे के लोग लगाए हैं काम पे, देखते हैं क्या होता है। वो सब तो ठीक है, पर कुछ बातों को तो हमारे बीच में ही रहने दो। हाँ लेकिन वहां देख रहे हो ना क्या चल रहा है? पकड़े जाएंगे। हुँ? चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले एक भक्त के मन्नत मांगने के बाद स्वयं भगवान चोरी करने वालों को रोकने के लिए साक्षात उसके घर आने वाले थे, तब ये भक्त दरवाजा खुला रखना भूल गया। नाराज भगवान ने उस भक्त के घर कभी भी नहीं आऊंगा और इस गांव में पैर भी नहीं रखूंगा, ऐसा निर्णय लिया। तब सारे गाँव वालों ने मिलकर भगवान से विनती की और उन्हें इसी नदी के पास रोका। तब से इस गाँव में एक भी घर में दरवाजा नहीं है। भगवान चोरी करने वाले को दंड देते हैं, ऐसा इनका पक्का विश्वास है। लेकिन अब भगवान के ही घर में चोरी होने के बाद इस गांव के सारे भक्तों के घरों में दरवाजे और ताले लगेंगे या भगवान ही अपनी उपस्थिति सिद्ध करेंगे, यही एक सवाल है। भगवान के मंदिर में डाका पड़ने के बाद चारों ही तरफ ये चर्चा का विषय बन गया। हर किसी के मन में एक चोर होता है और वो उस समय बाहर आने की सोच रहा था।
ढिशकियाओ Thank you.
ए हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर, क्या ढूंढ रहा था तू? सच बता, नहीं तो दो मिनट में तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। पैसा। जेब देखने के बजाय गाड़ी की तलाशी ले रहा था है? वो भी पुलिस की? पुलिस क्या है क्या है? पुलिस नहीं है, वो चोर है, डाका डाल के भागा है। तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तेरी तो दिन दहाड़े डाका है? कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? पैसे कितने हैं? एक करोड़। फिफ्टी फिफ्टी। शिकार मेरा और तुझे 50%। बंदूक नहीं देखी क्या? ये मेरे पास भी है, समझ गया? सारे के सारे पैसे मेरे हैं। मेरी बंदूक से भी गोली चल सकती है। ठीक है, 75-25। 25 नहीं, बिना मेहनत के पारा इतने कम नहीं है। 25% ले ले, नहीं तो ऊपर भेज दूंगा। नाटक हो चुका, चल बता पैसे कहाँ? मुझे नहीं पता। बता पैसे कहाँ रखे? उसके पास हो गए, उसी ने चुराए हैं।
उसी ने चुराए हैं, वही चोर है। मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ, उसे अरेस्ट करके ले जा रहा था। पानी पानी। सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, उसे अरेस्ट करो। मैं पुलिस हूँ, मेरी बात का यकीन करो। कौन आ रही है? देवी। फिल्म में तो बिल्कुल ही अलग दिखती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन के बजाय इस जंगल में? वो क्या है कि चोरी हुए सारे पैसे यही आने वाले हैं, उसके साथ के लोग यही पैसे लेके आने वाले हैं। साथ के कौन? कौन है ये साथ के? अमिताभ और अमरीश। क्या क्या चल रहा है यार? देवी, अमिताभ, अमरीश। सारे पुलिस वाले नौटंकी देखने गए थे क्या, जो तू अकेला झक मारने आ गया? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। कौन सा पुलिस स्टेशन? कौन सा पुलिस स्टेशन? कोकनगांव कामिल। और तुम्हारा? तेरी तुम है? जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, उसे दिमाग चलाने वाले सवाल नहीं पूछते। जल्दी बता, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मुझे मंदिर का घंटा समझा है क्या? कोई भी आएगा और बजा के चला जाएगा। बजाओ चाहे जितना बजाओ, मगर सच हमेशा सच ही रहेगा। और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। पापा, कुत्ते भी नहीं पूछते इसका मतलब? मतलब? माँ कह रही थी तुम्हारे बाप को कुत्ते भी नहीं पूछते। कुत्ते कैसे पूछेंगे? वो क्या हमारी तरह बात कर सकते हैं? दीदी, तो मुझे कुत्ता नहीं पूछता, बच्चे को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। कौन? सही तो है, लोग यहाँ गाड़ी बंगले ले रहे हैं और मेरे नसीब में ये राजा हरिश्चंद्र। ए, क्या बकवास कर रही है तू? और क्या सिखा रही मेरे बच्चे को? हाँ अच्छा, तो क्या बहादुरी के किस्से सुनाऊं? बड़ा आया पुलिस, आज तक घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं ला पाए। तेरी तो शादी से पहले पता नहीं था क्या? कोई भी काम टाइम पे नहीं करते, शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्यों, शादी से पहले तुझे पता नहीं था मैं पुलिस वाला हूँ? हाँ?
पता तो था, पर इतने ईमानदार होंगे कि घर में टीवी भी नहीं ला सकते, ये कहाँ पता था? ये मुंह संभाल के बात कर। मुझे मत समझाओ, गलती मेरी ही है ना, मैंने ही तुमसे शादी की है, कितने अच्छे रिश्ते मेरे लिए आए थे। मुंह बंद कर तेरा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अगर कोई बाहर बेइज्जती करे तो ठीक है, मगर वही हाल अगर घर में हो रहा हो तो क्या करे। ये तो रोज का ही था, मेले की रात थी, मैं ड्यूटी पे था। 12 साल की ड्यूटी हो गए साहब, स्पेशल कुछ करने का चांस ही नहीं मिला। ऐसा लगा भगवान मेरे साथ है और यही वो चांस है। सब कष्टों का तू निदान है, के सारे साथी डाका डाल के फरार हो गए। आज तक जिस भगवान के गांव में किसी की एक पैसे की भी चोरी नहीं हुई, वहां कोई भगवान के ही दान पेटी लूटेगा ऐसा किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा। मैंने इसे और इसके साथियों को पकड़ने का सोचा, पैसों के साथ इसको अरेस्ट करके ले ही जा रहा था, लेकिन इसने पूरी वाट लगा दी। पानी, पैसे कहाँ हैं बता, बता पैसे कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, सच में मुझे कुछ नहीं पता। देख, नाटक मत कर, सच सच बता, डर मत, तेरे सामने पुलिस वाला खड़ा है। मुझे बचाइए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ सर, उससे पूछिए ना, उसे ना चोरी की। क्या बक रही है तू? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए, चिल्ला मत, चुप बैठ।
रो मत तू, रो मत, शांत हो जा, शांत हो जा। मैं सच बोल रही हूँ सर, सच बोल रही हूँ, यही था अमरीश और इसका साथी था अमिताभ। इसकी तो फिर से अमिताभ अमरीश। सर मैं सच बोल रही हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल की फी नहीं भरी तो मास्टर ने कहा घर जाओ। घर जाने को कहा? ठीक है जाओ। अरे ये भाभी है तुम्हारी। अरे शर्म है या नहीं तुम्हें? नमस्ते भाभी। नमस्ते। बीवी से बच्चे की फी भरने के लिए पैसे लिए और यहाँ बैठकर पी रहे हैं आप? चलो मेरा ना सही, अपनी बीमार माँ का तो ख्याल करते आप। तुम हो ना, अपने बच्चों का ख्याल करते। मंदिर जा रहा हूँ ये कहकर निकले ना आप। hey, क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला मैंने? यहाँ हर शराबी का मंदिर है मधुशाला, यहाँ हर बूंद प्रसाद और अमृत है प्याला। ये तो रोज का था साहब, इनका रोज का पीना और हमारा रोज का झगड़ा। गन रखी और मेरा अपहरण किया। बुर्का भी इसी ने पहना है सर, ताकि रास्ते में कोई मुझे पहचाने नहीं। और इस सुनसान रास्ते पे ले आया, पता नहीं इस पापी के मन में क्या था। आप तो भगवान की तरह आ गए सर, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। ओ मैडम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तू पुलिस वाली है? सच में सर। बता पैसे कहाँ है? ए यार, औरतों पे हाथ उठाता शर्म नहीं आती? सर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे बुर्के का बटन खोल के देख लीजिए सर। हाँ? क्या? देखो रोना बंद करो, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो। पैसे कहाँ हैं बता? ए, 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 इस बेचारी पे तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है?
पैसे तो हमें बता। कसम खा कर कहती हूँ सर, मुझे नहीं पता, मुझ पर विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल, बेवकूफ मत बना। साहब इसकी आंखों के आंसू झूठे हैं, जहर है वो साहब। ए, तुम ही झूठ बोल रहे हो। यही था वो अमरीशपुरी और इसका दोस्त अमिताभ। तुम चुप रहो, पता नहीं इस रास्ते कहाँ लेकर आ गए मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेशरम, झूठ बोल रहे मेरे बारे में। साहब ये मुझे फंसाना चाहते हैं साहब। चुप, पता नहीं इस रास्ते कहाँ लेकर आ गए मुझे। मुझे फंसाना चाहती है तू? चुप कर, चुप। नौटंकी, सब नाटक कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा पुलिस की वर्दी पहनकर तुम सबको बेवकूफ बना दोगे? इसके पीछे सिर्फ तुम ही नहीं, और भी लोग हैं। अगर आपका साथ मिलेगा तो काम तो होगा ही। जबरदस्त प्लान, डार्लिंग चांस। ये क्या बात कर रहे हो? खबर पक्की है गुरुजी। अगर आप कहें तो सिक्योरिटी बढ़ा देता हूं। अरे हमारे इस गांव के सभी के घरों के दरवाजे खुले रहते हैं, और भगवान के मंदिर पे सिक्योरिटी, लोगों की श्रद्धा का क्या होगा? अगर कुछ हुआ तो यही जो लोग हैं ना, वो अंधश्रद्धा के नाम पे चढ़ने लगेंगे। भाई मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, वो ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। ऐसा कभी हमारे गांव में हुआ नहीं है। नहीं नहीं, हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना। अब बताइए क्या करना है। अगर बिना वर्दी वाले पुलिस तैनात कर दें तो? देखता हूं, चलो। मैं साहब, बिल बिल। हट साहब। क्या है ये? बिल है साहब, बिल। बेइज्जती कर रहा है मेरी, मेरी की हुई मदद का ये सिला देगा मुझे? मदद? कितने बच्चे हैं तेरे? हम दो, हमारे दो। मैं सारी सारी रात ड्यूटी करता था तब तू चैन से सो पाता था। तू दो घूंट चाय नहीं पिला सकता? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? जयंत सर। यस सर।
देवमल की यात्रा शुरू होने वाली है। हर साल की तरह लाखों भक्त आएंगे इसमें, और लाखों भक्तों के साथ साथ करोड़ों के दान भी। इस यात्रा में भगवान की दान पेटी लूटने वाले हैं, ऐसी खबर मिली है मुझे। क्या फर्क पड़ने वाला है साहब? भगवान का नाम बहुत बड़ा है, जो चोरी करता है भगवान उसे ही दंड देता है। भगवान क्या है, वो चोरी करके दान पेटी में पैसे डालने वालों को दंड नहीं देता, तो दान पेटी लूटने वालों को दंड क्यों देगा? तेरा नेटवर्क अच्छा है, कोई खबर दे जरा। क्या साहब, रिश्वत लेने की वजह से आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि एक रिश्वतखोर पुलिस वाला मारा गया, ऐसी कोई हेडलाइन तो नहीं बनानी है ना आपको? कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं ऐसा मुझे डाउट है, इसीलिए तुम सिर्फ मुझसे कम्युनिकेट करोगे। चलो काम पे लगो, तुम्हारा नाम भी होगा साथ में दाम भी मिलेगा। एक बहुत बड़े काम के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने का मौका मिला है तुम्हें। चोरी को रोकनी है या रंगे हाथ चोरों को पकड़ना है पैसों के साथ? सर 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 करे थोड़ा सा जो Thank you.
क्या साहब, क्या लग रहे हो आप? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का अपने को कुछ पता नहीं साहब, भगवान की तो पूरी वाट लगी है, वाट। हाँ, अब वो पुलिस वाले थे या चोर थे, बहुत लोचा है साहब, बहुत लोचा है। अगर वो पुलिस वाले हो गए तो मैं तो पूरा फंस जाऊंगा ना साहब। और साहब तुम पहले से ही सस्पेंड। साहब कभी सस्पेंड नहीं होता, चल चुपचाप बता दे। चोरी के समय जो मंदिर के बाहर था वो पुलिस वाला मैं हूं। अब किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? तुम तीनों, ये अमरीश पुरी, ये श्रीदेवी और ये अमिताभ बच्चन, पुलिस क्यों रे? तू पुलिस है ना, तो फिर अरेस्ट करना। मुझे तो लगता है कि श्रीदेवी के तुम ही दो साथी हो, तू अमरीश पुरी और तू अमिताभ। कब से बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारी चुप। तेरी तो मैं, अरे कैसा अमिताभ कैसा अमरीश पुरी, पहले ये बता पैसे कहाँ हैं, बता नहीं तो मैं तेरी यहीं पर। मुझे जाना है। क्या जाना है? पहले पैसे कहाँ हैं ये बता, फिर जहाँ जाना है वहाँ जा, मुझे अभी कुछ नहीं। ए, क्या है? आप तेरे डर से ये बेचारी वहाँ भी नहीं जाएगी? चाबी किधर है? ये चाबी दे, चाबी दे कह रहा हूँ, चाबी दे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। चल। शिवा, ये क्या है? हाँ? उसे ज्यादा दूर मत जाने देना। क्या है रे, तेरा दिमाग खराब हो गया लगता है, चल। बंदूक नीचे, वरना इसे यही ठोक दूंगी। हाँ।
यह है ओरिजिनल बंदूक। ओरिजिनल बंदूक। हट। एकदम ओरिजिनल बंदूक। मेरा इस चोरी से कोई संबंध नहीं है, सच बोल रहा हूं साहब। क्या भगवान, सब ठीक है ना? आज तुम्हारे लिए ये नारियल खरीद कर लाया हूं। भगवान, वो क्या है ना, बच्चों के स्कूल के पैसे भरने हैं। तुम्हें तो पता है ना, अपने बच्चे अपने वीक पॉइंट हैं। वो अगर नहीं पढ़े तो सारे लोग बोलेंगे ना, बच्चों को नहीं पढ़ाया, आवारा बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। इसकी तो हमारी बैंड बजा देंगे सब। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर देना। आज बाजार का दिन है, संभाल लेना। आता हूं भगवान जी। ए हीरो, क्या कर रहा है? हैं? चल चल, क्या देख रहा है साहब? चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक शिकार निकल गया तो फिर दूसरा शिकार ढूंढना पड़ता है। तुम्हें और कुछ चाहिए बेटा? याद है ना क्या क्या लेना है? आ जा। दादाजी, मुझे पेंसिल भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है बेटा? क्या चाहिए बोलो। क्या बताऊं तुम्हें, इसी उम्र में बहू और जवान लड़का चले गए। साहब, उस बच्ची के माँ बाप नहीं थे, उस बुड्ढे के अलावा उसका और कोई नहीं था। साहब, उस बच्ची में मुझे अपनी बेटी दिखने लगी। साहब, बाबा ये ले। ओ बाबा, चोर चोर। अरे उस दिन मुझे पता चला साहब, भगवान ने मुझे चोरी करने का टैलेंट दिया है, लौटाने का नहीं। तब से पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को लूट रहा हूं। और वैसे भी इस चोरी के रास्ते पर
सारे चोर ही मिलते हैं साहब। साहब तुम्हारी दया से ये इतनी बड़ी चोरी हाथ लगी है। अब इन दोनों से जल्दी से पैसे निकालो, फिर किसी ढाबे पर जाकर 90-90 पार्टी। बंदूक चलाने का बड़ा शौक है तुझे, लेकिन ये बंदूक भी थक गई है। पैसा कहाँ है? चल बता दे, वो पैसे कहाँ हैं? दिखा देना अपनी औकात। क्यों रे, मैंने बोला था ना, जहर है वो। ए चल बता। पैसे उसके पास हैं और निशाना मुझ पे। अरे शिवा, ये थकी नहीं है, मेरी बंदूक समय आने पर बराबर चलती है। ढिचकियां 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 ढिचकियां। अब कैसा लग रहा है? सब कुछ शांत। चल, उसकी जिंदगी और उसके हिस्से के 25% भी तेरे। अरे तेरे जैसे तकदीर वाले लोग बहुत कम ही हैं। तो देख रहा है ना, बता दे, नहीं तो बेवकूफ, जिसे सब कुछ पता था उसे तूने मार दिया। अगर तुझे ऐसा लगता होगा कि पैसे मेरे पास हैं, तो मुझे कभी नहीं मार सकता। ऐसा लगता है तुझे? गांव के मेले में फिल्म देख के आया है? हाँ, जिंदगी भी नहीं पैसे भी नहीं, तेरे जैसा समझदार इंसान ऐसा रिस्क नहीं लेगा। मेरे पास दोनों में से कम एक तो रहेगा। चल 75-25, वो भी रकम बड़ी है इसलिए, नहीं तो तेरी खोपड़ी कब की खोलती होती। बोल बोलना, बोल, जिंदा रहना है या मरना है? बोल, बोलना। अच्छा लगा ना?
अरे लेना 75-25 ले। ले। कितनी अकड़ है रे तुझमें, मौत तेरे सामने खड़ी है मगर तेरी अकड़ नहीं जा रही। 75-25 ले ले, नहीं तो तुझे भी इन लोगों की तरह ही यहाँ ढेर कर दूंगा। अरे अकड़ अभी भी है। तीर्थ क्षेत्र देवमाल गांव के मंदिर में चोरी करने वालों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। खास बात यह है कि चारों चोरों की डेड बॉडी मिली है, लेकिन उनके द्वारा चुराए गए पैसों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इससे ये पता चलता है कि इस चोरी के पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि वो बाकी के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ेगी। आखिर मेरा आदमी ही सही निकला, उसने सबको ढूंढ लिया और मरते मरते मुझे करोड़पति बना गया। क्या शिकार मेरा और तुम्हें 50? 75-25
अभी तक असली चोरों का कुछ भी पता नहीं चला है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट। आखिरकार भगवान ने अपने अस्तित्व का प्रमाण दे ही दिया, और आज जो सबके सामने है, भगवान के पैसे चुराने वालों का क्या हश्र हुआ यह हम सब ने देखा। भगवान जो है हर बार सबको माफ कर देंगे ऐसा नहीं है, सही कह रहा हूँ ना? लेकिन अभी तक असली चोरों का पता नहीं चल पाया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और ट्रस्ट क्या एक्शन लेगा सर? और पैसे चुराई गई इतनी बड़ी रकम कहाँ गई सर? ठीक है, देखिए पुलिस छानबीन कर रही है, पता चलेगा, जल्दी पता चलेगा। लेकिन सर, अभी भी कई सवाल हैं, कुछ तो कहिए सर, छोड़ो ना मुझे, मैंने उन लोगों को बता दिया ना सब, साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो बस खबर ही हूँ साहब। अरे मैंने पुलिस के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया मैंने पुलिसों के लिए, और मुझे ही फंसा दिया साहब। अरे साहब जा रहे तो ना, अरे साहब छोड़ो ना, उस पुलिस वाले को बता दिया ना मैंने सब। पर साहब तुम पुलिस वाले ही हो ना, सच में पुलिस वाले हो ना? अबे तेरी तो तू खबरी है ना, तू खबरी है ना, तेरी खबरी की अभी निकालता हूँ मैं। हम क्या तुझे पुलिस के कपड़ों में नाचने वाले दिख रहे हैं? जल्दी बोल, बोल जल्दी बोल, वरना तुझे ये डंडा तेरे, बोल बोल जल्दी। नहीं साहब, हाँ साहब, कौन पुलिस कौन चोर कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया साहब, मुझे मत मारो साहब, माँ कसम बोल रहा हूँ साहब, मैं माँ कसम साहब, मैं उस दिन फुल टाइट था साहब, एकदम टाइट था साहब, मेले के 2-3 हफ्ते पहले की बात है साहब। पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। फिफ्टी फिफ्टी डन। बोल, तू ये चाहता है कि 75 तू रखे और 25 मैं रखूं? फिफ्टी परसेंट उसे देना ही है ना, तू ले ले। साहब वो भी पुलिस वाले थी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो साहब, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो। चोरी के सुराग अब मंदिर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ट्रस्ट के मुख्य गुरुजी इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। मंदिर से जो दान के पैसे चोरी हुए थे वो मिल तो गए हैं, लेकिन जिस श्रद्धा विश्वास की चोरी हुई है उसका क्या? भक्तों की भीड़ तो बढ़ ही रही है, कोई कुछ भी बोले फिर भी भक्त अपनी बात पर अटल हैं। भगवान चोरी करने वाले को दंड देते हैं। ये सब तो गए अपने कर्मों से, और इसमें बाकी जो बच गया है ना, भगवान के नाम से। भाई कुछ भी कहो,
अब भक्ति भाव से जो लोग आते हैं वो पागल थोड़े ही होते हैं। सही है, भीड़ बढ़ गई है उस मंदिर के अंदर। और नहीं तो क्या? मैं तो कहता हूँ चप्पल रखने की दुकान लगा लो, हजारों कमा सकते हैं हम लोग वहाँ पे। अब अपने गांव का नसीब चमकने वाला है और ये सब उस भगवान की कृपा है बाबा। ये बिल्कुल सही है भाई। सही। अरे तू चप्पल की दुकान की क्या बात कर रहा है? अरे मैं तुमको बोलता हूँ ना, भगवान की रिंगटोन बेच बेच के बुलेट तो पक्का ही खरीद लूंगा। जिसे भगवान बचाए उसे कौन मार पाए। भगवान चोरी करने वालों को जरूर दंड देता है, ये तो सच है कि भगवान मंदिर में होता है। अगर वो मंदिर में नहीं होता तो लोग वहां क्यों आते? और अगर वो यहां नहीं होता तो फिर ये भक्ति और श्रद्धा का बाजार किस लिए? खुश लग रहे हैं। हाँ चलो चलो जल्दी धोते हैं। भगवान तक मेरी बात पहुँची ही नहीं लगता है। सत्यानाश हो उन चोरों का, एक आध दिन लेट चोरी की होती तो क्या बिगड़ जाता उनका। वैसे भी मरने ही वाले थे ना, पर अब क्या? अब क्या? अब तो 5,000 डाल देना दान पेटी में, 1,000 से नहीं मानेंगे भगवान। क्या कहा? 5,000? हाँ तो आजकल 1,000 में मिलता क्या है, तो भगवान क्यों भला तुम्हें आशीर्वाद देंगे? चिंता मत करो, तुम्हारे 1,000 जाने से भगवान का ऐसा साक्षात्कार हुआ, ये क्या कम है? जो आदमी दिन रात अहिंसा के लिए लड़ता रहा, उसकी तस्वीर के कागज का एक टुकड़ा हिंसा का कितना बड़ा कारण बन गया। कितने की है? 500 का एक है। खुशबू तो है ही नहीं इसमें। भाई लगता है तुम्हें सर्दी हो गई है, लेना है तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। बड़ा आया लेने वाला। जिस पैसे को इंसान ने बनाया वही पैसा इंसान से बड़ा हो गया। वो सिर्फ इंसान को ही नहीं भगवान को भी खरीद रहा है।
वर्दी पहनने वाला चोर है या पुलिस, ये बता पाना मुश्किल हो गया है। आज दुनिया में हर किसी के दिल में स्वार्थ के दरवाजे लगे हुए हैं। अब बचा है तो अंदर अंधेरा और बाहर चोरी।